सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे और पिछला वीडियो आपको उम्मीद से पसंद आया होगा। और आज के वीडियो में आज मेरे वर्कआउट का ऑफ और मेरा पार्टनर जा चुका है गुड़गांव। पता नहीं क्या उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो शायद उधर कोई है उनके रिलेटिव्स तो उनके पास गए हैं, तो देखते हैं। वैसे मेरे रेस्ट डे पे ज़्यादातर मैं फ्री नहीं रहता, रेस्ट नहीं कर पाता, तो देखते हैं आज क्या क्या करना है। बहुत सारे काम है, शॉप भी जाना रहेगा शायद मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं। पहले मैं अभी जस्ट उठा ही हूँ, उठ के अब जस्ट नहाऊंगा, नहाने के बाद मैं डाइट लूँगा अपनी एग और ओट, और उसके बाद मैं देखते हैं क्या करना है। चलो मिलते हैं तब तक। सो गाइस, नहा धो के हो चुके हैं रेडी और अब डाइट का टाइम। और अभी डाइट में लूँगा मैं ओट्स और एग्स। तो एग्स बन रहे हैं, एग्स मैं लेता हूँ वाइट, कुछ होल भी खा देता हूँ, थोड़ी भूख लगी रहती है ना। 6 एग वाइट और ऐसे 3 मीटर 6 एग वाइट्स की 18। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि मेरी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई लोग, तो जल्दी ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको। अभी इतने दिन तो गेनिंग चल रही थी, गेनिंग चलते हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया, गेनिंग ही चल रही थी। 8-10 महीने हो गए गेनिंग 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 8-10 महीने ही हुए मेरे को स्टार्ट करे हुए, और 8-10 महीने से गेनिंग ही कर रहा हूँ। तो अब जाके मैं कर रहा हूँ कॉम्पटिशन की तैयारी। कॉम्पटिशन है मेरा दिसंबर में, तो देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। अभी जून चल रहा है तो मेरे हिसाब से अच्छी कंडीशन आ सकती है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फोकस्ड हूँ पूरा वैसे भी। चलो लेते हैं डाइट। तो भाई लोग, डाइट ले ली है मैंने और मेरे साथ हो गया है गंदा सीन। ओट्स के बाद में जब मैं एग खा रहा था तो मेरे को हो गई थी उल्टी। 3 अंडे खाने के बाद मैंने क्या एक साथ 2 अंडे खा लिए, और फिर वो अंडे खा खा के मैं बोर हो गया, क्योंकि 10 महीने से अंडे अंडे खा रहा हूँ रेगुलर, तो थोड़ा सा सीन हो गया मेरे साथ। पर ठीक है, कोई ना, अब थोड़ा सही लग रहा है। एक मील ख़राब हो गई यार, वापस तो कैसे खाऊँ, खाने का मन नहीं करता है। इसको अलग अलग तरीके से बना के अपन खाए ना, जैसे एग रोल हो गया या फिर ब्रेड ऑमलेट, ऑमलेट काफ़ी ऑप्शंस में बना के खाता है मैं। बॉयल बॉयल खाता हूँ, बॉयल बॉयल बॉयल, ठीक है जो भी है। चलो चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि देखना बस। तो चलो भाई आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी तगड़ी चीज़। क्या है फैट लॉस का राज? वो राज कुछ खास नहीं है, ये है हमारा होममेड सेंटर। यहाँ पे लगा हुआ है ट्रेडमिल जो कि काफ़ी सही है। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता। और ये लगी हुई है साइकिल, दो चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे सही रहता है। हमारे क्या, पहले हमारे जिम था, तो उस जिम का सामान जो था उसमें से कुछ बच गया था, मतलब लॉकडाउन के टाइम बंद कर दिया था जिम, तो वो किसी और को दे दिया था सामान जो बचा हुआ था सेकेंड हैंड के। वैसे तो जो 2-4 मशीनें रख ली थी अपन ने ताकि अपने यूज़ में आ जाए, ये सीन है। और आज का सीन भी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि मेरे को जाना है कॉलेज, कॉलेज से एग्ज़ाम आने वाले, तो मेरे को लेना है नो ड्यूज़, फिर लेना है मेरे को एडमिट कार्ड पे सील, और उसके बाद मैं जाऊँगा शॉप, शॉप से लूँगा डाइट, डाइट से लेके आऊँगा घर। तो मतलब कुल मिला के काम ही काम है, करते हैं भाई, करना ही पड़ेगा, मिलते हैं। तो भाई टाइम है चलने का, और अभी चलते हैं, देखें अभी जाऊँगा शॉप पहले, और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कॉलेज निकलूँगा। कॉलेज में काम है, नो ड्यूज़ लेना है, कैसे जैसे आज 6 दिन बाद पेपर स्टार्ट है। चलो भाई चलते हैं शॉप पहले तो। और हाँ भाई, वो अभी जो बोला था मैं, वो ट्रेडमिल नहीं था, क्रॉस ट्रेनर था वो। मैं थोड़ा दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था मेरे, एकदम से ट्रेडमिल गया था क्या, वो क्रॉस ट्रेनर था जो मैंने आपको ऊपर दिखाया ना। अभी दो मशीनें पड़ी, एक साइकिल थी एक क्रॉस ट्रेनर था। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर। चलो चलते हैं शॉप, उसके बाद चलेंगे कॉलेज, उसके बाद वापस आएंगे शॉप, शॉप से लेंगे डाइट, डाइट से लेके उसके बाद आएंगे घर। तो मतलब बहुत सारे काम है। A few inches later. भाई मैं आ गया हूँ शॉप पे, और ये जीतू सर है। जीतू सर आए, बोलो। Hi. जोर से बोलो। तो भाई अब चलते हैं कॉलेज, और मैं हूँ अभी शॉप पर, शॉप दिखा रहा हूँ, दा प्रोटीन हाउस पर हूँ मैं। भाई मैं हूँ अभी कॉलेज, और ये मेरे फ्रेंड साथ में, और इनको नोड्यूज नहीं मिल रहा और हम भाग रहे हैं, बहुत 3-4 बार ऊपर जा चुके हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेते ट्राई करते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ कॉलेज से शॉप पर, और बाहर बहुत धूप थी तो स्किन जल गई मेरी, और अभी आ चुका हूँ शॉप पर, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मेरे को। तो चलो अपने यहाँ जीतू सर बैठे, इनसे कुछ अपन सवाल करते हैं आज देखे। तो बताओ जीतू सर, कैसा चल रहा है आपका फिटनेस का, कैसा मतलब आप क्या कब जिम जा रहे हो, कैसा चल रहा है एकदम? अभी तो थोड़ा ऐसा ये आलस वगैरह आने लग गए सुबह। अच्छा। मैं जिम करने में, और धीरे धीरे अब वापस रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हो। होने की कोशिश कर रहे हैं,
और सही है। प्रॉपर प्रोटीन वगैरह सारा सब कुछ डाइट वगैरह ठीक लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं बॉडी बन जाए आपकी, दुआ करते हैं। अरे नहीं नहीं बन जाएगी, टेंशन मत लो, देखो 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 अभी नहीं अभी अरे बिल्कुल बढ़ेगी। तो कोई फिटनेस बिगिनर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए कोई आपकी टिप वगैरह कोई ऐसा है जो ऐसा चीज जो आप उनको बताना चाहते हो कि ये गलती ना करो, आप कुछ ऐसी चीज जो उन्हें आप समझाना चाहते हो आपके 2-3 साल के एक्सपीरियंस से? डाइट वगैरह जो भी है वो एक प्लान करके ही ले, ठीक है, ये इधर उधर की चीजें ना खाए, इधर उधर की चीजें ना ले, क्योंकि नॉलेज नॉलेज बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग हैं जो खराब नॉलेज देते रहते हैं। प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कोच होना जरूरी है। डाइट के बारे में खुद पढ़े, हाँ, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कार्ब कितना लेना चाहिए, वो शुरू से ही एग्जैक्टली और कई लोगों का ऐसा सवाल भी होता है कि भाई प्रोटीन कौन सा ले, तो अपनी तो प्रोटीन की दुकान है, तो अब आपके हिसाब से अभी कौन सा प्रोटीन ऐसा चल रहा है जो मतलब लोग बिना झिझक के ले सकते हैं, क्या ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छे? प्रोटीन सारे सब कुछ ठीक रहते हैं, सेम रहते हैं, मतलब लगभग कोई डिफरेंस नहीं है। खुद पढ़ो, खुद देखो, यूट्यूब पे मत पढ़ो, बिल्कुल सही बात है, देखो क्रोम पे देखो पढ़ो, हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो सारे दूध के बने होते हैं तो दिक्कत तो है नहीं, हाँ, सारे अच्छे अब्जॉर्ब होते हैं आपकी बॉडी में। फिर भी कोई ब्रांड सजेस्ट करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, तो कौन सा ब्रांड सजेस्ट करेंगे? ब्रांड जो नहीं है ये वो तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं लेना चाहिए, जो पुरानी ब्रांड्स उन पे ध्यान देना चाहिए, पुरानी ब्रांड है जो 10 साल या 5 साल लगभग मार्केट में हो गया है, बढ़िया उनके रिव्यू वगैरह है, वो उन्हीं पे ब्रांड पे जाए आप। आप बहुत सारी ब्रांड्स देख सकते हो, अवतार है, गैस्परी, जीएनसी, रेडकॉन, अभी कौन सी ज्यादा चल रही है? मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट Q20 है, Q20 का प्राइम राज भी ये है कि पहले ये आइसो प्योर ये इसी की कंपनी थी, अच्छा। तो सबसे महंगा व्हे प्रोटीन है, आइसोलेट प्रोटीन है, ओके, तो इसी की कंपनी थी, तो क्वालिटी काफी इसकी अच्छी है, काफी अच्छी है, और इसको काफी टाइम हो गया फील्ड में, अच्छा, पुरानी कंपनी है, मतलब कुल मिला के आप खुद ही सोचो ना, आइसो प्योर सबसे ज्यादा महंगा प्रोटीन है, ठीक है, तो उसी कंपनी का ये है Q20, तो बेटर ही होगा, वो सीधी सी बात है, Q20 इसलिए मुझे सबसे ज्यादा इसी पे Q20 तो भाई लोग Q20 ट्राई कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो Q20 ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छी ब्रांड है और हम भी बना रहे हैं, बॉडी देखे जीतू सर भी बना रहे हैं। वापस मैंने दूसरा चेंज कर लिया था Q20 से, अच्छा, कोई मजा नहीं आया, वापस मैं Q20 की लेने की सोच रहा हूँ। इन्होंने लिया था AN का, संग्राम चौकली की जो ब्रांड है वो लिया था, पर उसमें थोड़ा फ्लेवर थोड़ा मुझे ऐसा ही लगा, झाग वगैरह बनते हैं तो मुझे मजा नहीं आया कुल मिला के। और इसका फ्लेवर वगैरह कैसा है? फ्लेवर कैसा है? शानदार है, काजू केसर किसका, और फ्लेवर भी अच्छा है, भी शानदार है, पर ये AN का मुझे बहुत बेकार लगा, तो वापस वो सबकी थोड़ी अलग अलग चॉइस हो सकती है, किसी ब्रांड पे ब्लेम नहीं डाल रहे अपन, सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, ये कि उसमें फ्लेवर थोड़ा ऐसे था और झाग वगैरह ज्यादा आ रहे थे, अच्छा, हाँ, वो झाग की वजह से पीने में भी प्रॉब्लम रहती है, तो वो चीज है, तो अभी Q20 सबसे ज्यादा चल रही है, तो ट्राई करें Q20 अगर आप फर्स्ट टाइम कोई सा प्रोटीन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो। और अभी हूँ मैं शॉप पर, अरे हमारी खुद की शॉप है द प्रोटीन हाउस, अभी यहाँ से डाइट आएगी, डाइट आके फिर चलेंगे अपन घर पे, चलो मिलते हैं। हो गया यहाँ पे, क्या पंगा चल रहा है मेरे को बताओ, लड़ाई चल रही है यहाँ पर, अरे घुसंड मारो, चलो चलो मारो यार, माहौल बनाओ थोड़ा सा, 2670 ये लड़ाई चल रही है, यहाँ दंगा होगा, यहाँ दंगा होगा, कमांडोज को बुलाओ, अरे भाई ये देखो यहाँ पे ऐसा एंटरटेनमेंट होता है, क्या बात है। सर हमें बताइए आपने क्यों पंगा लिया उससे, आपके क्या दिक्कत हो गई? अरे यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा हो गया आज। कुछ बताइए हमें इस बारे में, कुछ थोड़ा बहुत बोल रहा था इसलिए पंगा लिया मैंने। अरे यार झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ओ माय गॉड, ऑनेस्ट मैन, सही है। नींद आ रही है भाई, 3 बज गए दिन के, शॉप पे बैठे हैं, कॉलेज से शॉप पे आया था, फिर क्या ना स्टॉक आ गया, तो स्टॉक जचाने में लग गए, गंदा हो गया था, साफ करना जचाना सब कुछ, गाना चल रहा है बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत। सामान जचाते जचाते चलो चलते हैं अब शॉप, डाइट का वेट कर रहा है, डाइट आ जाए ना एक बार, उसके बाद घर चलेंगे, तो कटिंग की डाइट स्टार्ट करी है, थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, चिकन वगैरह थोड़ा कम कर दिया, राइस कम कर दिया, कार्ब्स कम कर दिए, प्रोटीन कम कर दिए थोड़े थोड़े, फैट वैसे फैट कटिंग की डाइट चला दी पूरी की पूरी देखा जाए तो,
चलो चलते हैं घर, थोड़ी देर में डाइट बढ़ा जाए बस। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर शॉप से, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं आज के, और अभी मेरे को एक और छोटा सा काम है, और वो काम है कि मेरे को पिलाना है थोड़ा सा पौधों में पानी। तो मैं चालू करूँगा मोटर। ओह शिट, जल्दी भाई। चलो एक छोटा सा काम और निपटा लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। काम ही काम, काम ही काम। पाइपलाइन तो लगी हुई लग रही है। चलो पिलाते हैं पौधों में पानी। ये है गार्डन हमारा छोटा मोटा। चलो तो भाई इसी के साथ पौधों को पानी पिलाना हो गया है ख़त्म। और ये ट्रॉफीज रखी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरे भैया की है, ये बॉडी बिल्डिंग की ट्रॉफीज़ है। तो आज का पूरा काम वाला दिन हो गया ख़त्म, बहुत काम था आज के दिन में। अब बस डाइट लेना है, फिर सोना है, रेस्ट है, और कोई काम नहीं है। सुबह से काम 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 लग रहा हूँ, और कल से फिर पढ़ाई भी करनी है थोड़ी और ज़्यादा हार्डली, क्योंकि 5 दिन बचे फिर एग्ज़ाम के। तो भाई इसी के साथ वीडियो होता है यहाँ ख़त्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।